लॉकडाउन की वजह से देश भर के शिक्षण संस्थान पिछले कई महीनों से बंद थे। वहीं अब राज्य सरकार व केंद्र सरकार के फैसले पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही कॉलेज खोलने के आदेश भी दिए गए हैं, परंतु इम्तिहान नजदीक होते देख विद्यार्थी वर्ग की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन कारण विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा करने के लिए बहुत कम समय मिल पाया है, जिसे देखते हुए अब पंजाब सरकार इस वर्ष का सिलेबस 30% तक घटाने का सोच रही है, जिससे विद्यार्थी वर्ग में खुशी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अध्यापकों ने भी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। अध्यापकों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों के कई कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाते थे, जिस कारण बच्चों को दिक्कतें पेश आ रही थी। ऐसे में सरकार के इस फैसले का विद्यार्थियों और टीचर्स दोनों को लाभ होगा और विद्यार्थी अच्छे नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेंगे। प्रिंसिपल शहीद मक्खन सिंह गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट, एक दो दिन पहला ही सरकार ने बच्चों का सिलेबस घटाने का फैसला लिया। ये बहुत ही शलाघायोग कदम है, क्योंकि कोविड-19 के रेंदे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है, रेगुलर क्लासेस बच्चों की नहीं लग रही। इस करके बच्चों को कुछ औकड़ा का सामना करना पै रहा है, कुछ दिक्कत आ रही सीगिया, वो अपने कुछ डाउट क्लीयर नहीं सी कर पा रहे। हालांकि स्कूल 9वीं तो लैके 12वीं तक लग गए है, पर सारे बच्चों की हाजिरी स्कूल विच नहीं हो रही। इस करके इस सिलेबस घटने नाल बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। बच्चे बहुत टेंशन च सीगे सिलेबस नू लैके, तो मैनू लगता कि इहदे नाल बच्चों का रिजल्ट जिहड़ा आने वाला है वो बहुत बहुत वधिया रहेगा, तो बच्चे चंगे नंबर लैके पास हो सकनगे, तो अपना अपने स्कूल का नाम जरूर रोशन करेंगे। क्योंकि कोविड-19 के मद्दे ये बहुत बड़ा सरकार ने फैसला लिया। मैं सरकार का अपने बच्चों वालों सारा का धन्यवाद करनी हाँ इस सिलेबस घटाने के उपर। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere.